तो भाई रेचल कुक ने कमबैक किया है इस मूवी के साथ, तो क्या आपको देखनी चाहिए नहीं, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। और टेंशन मत लो, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होगी, तो आप इसको आराम से बैठ के देख सकते हो। तो भाई इस मूवी में रिचर्ड कुक के साथ साथ वेन जूनियर और हिडन ग्राम्स देखने को आपको मिलेंगे इस मूवी में। तो भाई इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या है, आइए ये बात कर लेते हैं पहले। तो भाई इस मूवी की स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है सूजन के अराउंड, जिनका रोल कुक ने प्ले किया है। तो भाई सूजन जो है वो एक लॉयर है काफी छोटी लॉ फर्म के लिए, जो कि अभी काम कर रही है काफी ज्यादा हाई प्लेइंग क्लाइंट के लिए, जिसका नाम है निक। तो भाई जो निक जो है वो एक डेटिंग ऐप को सू करना चाहता है, जो कि कहती है भाई आपको पक्का प्यार मिलेगा ही मिलेगा। बट क्योंकि निक को उस ऐप से कोई प्यार मिला ही नहीं, तो इसलिए वो उस कंपनी को सू करना चाहता है। तो भाई अब निक को वहां तो प्यार नहीं मिला, बट सूजन के साथ काम करते करते क्या प्यार हो जाएगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है इस मूवी की स्टोरी के प्लॉट की, कि भाई इस मूवी का प्लॉट कहाँ से आया। तो कुक को ये आइडिया आया था जब वो बैठी हुई थी एक जगह, और उन्हें देखा कि एक बंदे ने कोर्स को सू किया है, जो कि बियर बनाती है वो कंपनी बाहर, क्योंकि वो बियर्स असल में रॉक फाउंटेन के पानी से नहीं बनती, जैसा कि वो कंपनी एड्स में दिखाती थी। तो वहां से हमारे कुक को यह आइडिया आया है, और रेचल ने इसको प्रेजेंट किया है काफी अच्छे तरीके से। तो भाई अब जब यहाँ पे हम रेचल की बात कर ही रहे हैं, तो मैं बता दूं इस मूवी की राइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, और डायरेक्शन काफी अच्छी है, मूवी की पेसिंग बहुत अच्छे से की गई है, तो आप कहीं बोर नहीं होगे मूवी से। ऑल्दो एक लव स्टोरी टाइप की है, बट आपको प्रॉपर मतलब टीनेज ड्रामा वाली लव स्टोरी नहीं है, काफी सटल और काफी अच्छे से लिखी गई लव स्टोरी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम कोई नया कॉन्सेप्ट आया है कि भाई दो लोग काम कर रहे हैं साथ में प्यार हो गया, क्लाइंट है एक उसके लिए काम करता है, दोनों प्यार हो गया, दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। बट जिस वे में इसको प्रेजेंट किया गया है उसको अप्रिशिएट करना काफी ज्यादा बनता है। और जो लोग काफी टाइम से रोम कॉम देख रहे होंगे उनको पता है इस मूवी के जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं काफी पुराने और अच्छे एक्टर्स हैं। तो भाई एक्टिंग डिपार्टमेंट में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिली है, एक्टिंग डिपार्टमेंट ऑन स्पॉट है। अगर आप किसी मूवी को सिर्फ एक्टिंग के लिए देखना चाहते हो तो इसको आप आराम से देख सकते हो। अगर आपको लव मूवीज पसंद है तो आप इस मूवी को आराम से देख सकते हो, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड जाके इसको देखो। और मैं कहूंगा अगर आप एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट हो जो कि सीख रहा है कि कहानी का फ्लो कैसे करवाना है, तो दिस मूवी इज राइट फॉर यू, क्योंकि इस मूवी का जो फ्लो है वो काफी अच्छे से गया है। जैसे स्टार्ट होती है और जैसे खत्म होती है मूवी, काफी अच्छे से उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया है मूवी के पेस में। साथ ही साथ मूवी की जो डायरेक्शन है वो काफी अच्छी की गई है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं, इतने पुराने पुराने एक्टर्स काम करते हैं, उनसे उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि वो सेट पे कई बार अपने आप को डायरेक्टर से ऊपर समझते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टर ऐसे एक्टर से अपनी एक्टिंग निकलवा ले बेस्ट वो भी, तो वो डायरेक्शन काफी अच्छा हुआ है उस मूवी का। इस मूवी की एक जो मेरे को थोड़ी सी खराब बात लगी, मतलब छोटा सा फ्लॉ है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, वो था इसका कलर करेक्शन। मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा है बट और अच्छा हो सकता था। मेरे को चाहिए था कुछ कुछ जगहों पर और ज्यादा वार्म हो सकता था, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर ऐसा लग रहा है कि सैड मूवमेंट चल रहा है, जबकि वो असल में सैड सीन है नहीं। तो उसके अलावा इस मूवी में मेरे को सब कुछ ऑन पॉइंट लगा है, कुछ भी खराब नहीं लगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपको लव स्टोरीज देखना पसंद है, आपको ऐसे ड्रामे वाली मूवी देखना पसंद है, ऐसी मूवीज देखना पसंद है, तो जाओ और इसको बिना किसी हिचक के देख के आओ। और देख लिया है तो नीचे कमेंट्स बताओ कि आप इसको कितने स्टार दोगे। मैं इसको दूंगा 10 में से 8.5 स्टार्स, 1 स्टार एक्स्ट्रा रेचल के लिए दिया है, सच सच बताऊं तो। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मेरे से इस वीडियो में रह गए हैं, आप बताना चाहोगे तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ट्राई करना कि स्पॉइलर ना दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नहीं लगी तो डिसलाइक करना, पर साथ में कमेंट्स बताना कि क्या अच्छा लगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में इंप्रूव कर सकूं। और ऐसे रिव्यूज वाली वीडियोस देखते रहने के लिए, जो कि हमेशा चैनल पर आती रहती हैं, चैनल कर लो सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग गाइज, एंड एज ऑलवेज पीस आउट।